हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई एम खेल सिंह चौहान फ्रॉम गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल दाताराम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल लर्न लेसन नंबर 4 फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहाइव। द नेम ऑफ द लेसन इज ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और किस बारे में? द स्टोरी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी। द स्टोरी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन, और इसका पैरा नंबर 1 हम पढ़ेंगे। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक वास्तविक सुंदर दिमाग या मस्तिष्क। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पूर्व, व्हाट डू यू थिंक ऑफ When you hear the word genius? Who do you think of? वो यानी कौन होता है, लेकिन यहाँ होगा who do you think of, यानी आप किसके बारे में सोचते हैं। When you hear, जब आप सुनते हैं the word genius, genius मतलब होता है प्रतिभावान। जब आप प्रतिभावान शब्द के बारे में सोचते हैं तो आप किसके विषय में सोचते हैं। Who is a genius? यानी कौन, इज यानी है, जीनियस है, प्रतिभावान। प्रतिभावान कौन है? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक ए जीनियस हैज? व्हाट क्वालिटीज, कौन से गुण डू यू थिंक आप सोचते हैं ए जीनियस हैज, एक प्रतिभावान कौन कौन से गुण रखता या होते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट Who took the world by storm about 100 years ago? We shall now read. We and him shall now read. Now यानी अब, shall read यानी पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे about इन बारे में a young German civil servant. एक युवा, यंग यानी युवा, जर्मन यानी जर्मनी का सिविल सर्वेंट कहते हैं सरकारी कर्मचारी। वो टुक द वर्ल्ड, जिसने क्या किया, वो टुक द वर्ल्ड, जिसने कि संसार में क्या मचा दिया, बाय स्टॉर्म, तहलका मचा दिया, अबाउट 100 years ago, जिसने कि लगभग 100 वर्ष पहले क्या किया, 100 वर्ष पूर्व वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। इन द समर ऑफ 1905 की ग्रीष्म ऋतु में, दी 26th year old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। इस 26 वर्षीय युवक ने, द 26th year old, इस 26 वर्षीय युवक ने कब, इन द समर ऑफ 1905 की ग्रीष्म ऋतु में, समर का अर्थ ग्रीष्म ऋतु में, क्या किया इसने, पब्लिश प्रकाशित किया इन क्विक सक्सेशन, शीघ्रता से एक के बाद एक, 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। 4 यानी 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स का होता है अवधारणाएं ध्वस्त करने वाले, ये जो पुरानी अवधारणाएं थी ना उनको तोड़ने वाले, ध्वस्त करने वाले 4 लेख प्रकाशित किए। और वो कौन से लेख थे? अबाउट लाइट, लाइट के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कणों की गति के बारे में, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, गतिमय, मूविंग कहते हैं गतिमय बॉडीज यानी पिंडों की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स विद्युत गति की, एंड एनर्जी और ऊर्जा के बारे में। ये 4 पेपर उसने प्रकाशित किए जो ग्राउंड ब्रेकिंग थे, अर्थात पुरानी अवधारणाओं को ध्वस्त करने वाले पेपर थे। कौन कौन थे? अबाउट लाइट, प्रकाश के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कणों की गति बारे में, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, गतिमय पिंडों की
विद्युत गति के बारे में एंड एनर्जी और ऊर्जा के बारे में, ये चार पेपर। हिज वर्क टुक अप ओनली ए फ्यू पेजेज इन साइंटिफिक जर्नल्स, क्या हुआ उसके लेखों। हिज वर्क, उसका जो वर्क था ना कार्य, कौन सा लेखों का, हाँ टुक अप ओनली ए फ्यू पेजेज, ओनली ए फ्यू पेजेज यानी कुछ ही पृष्ठ भरे इन साइंटिफिक जर्नल, साइंटिफिक जर्नल का विज्ञान पत्रिकाओं में, यानी वैज्ञानिक पत्रिकाओं में उसके कार्य से कुछ ही पृष्ठ भरे। बट चेंज्ड फॉर एवर, चेंज यानी बदल दिया, फॉर एवर हमेशा के लिए, आवर अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ को, हमारी समझ को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। किस बारे में, आवर अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ को किस बारे में, स्पेस टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस, स्पेस अंतरिक्ष, टाइम समय एंड द एंटायर कॉस्मोस और संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में, यानी अंतरिक्ष समय और संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में हमारे समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। एंड ट्रांसफॉर्मर्ड, ट्रांसफॉर्म का होता है परिवर्तित कर दिया, क्या द नेम, नेम नाम आइंस्टीन इनटू सिनोनिम्स ऑफ जीनियस, और आइंस्टीन नाम की प्रतिभावान के पर्यायवाची के रूप में उतरा, क्या कर दिया रूपांतरित कर दिया आइंस्टीन, आइंस्टीन इनटू ए सिनोनिम ऑफ जीनियस, सिनोनिम ऑफ जीनियस प्रतिभावान के पर्याय के रूप में आइंस्टीन के नाम को परिवर्तित कर दिया, यानी आइंस्टीन को प्रतिभावान करने लगे, जीनियस करने लगे। 50 years आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद, आफ्टर बाद में हिज डेथ, उसकी मृत्यु के 50 years आफ्टर 50 वर्ष बाद में, अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रिमेंस, अल्बर्ट आइंस्टीन की जीनियस यानी प्रतिभा स्टिल ने अब भी रेंस यानी प्रभावशाली है या राज्य करती है, यानी प्रभावशाली है। देन नाउ वी स्टार्ट द स्टोरी। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14th मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14th मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। और कैसे हुआ, विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना कोई किसी संकेत के, विदाउट बिना एनी यानी कोई संकेत, बिना कोई संकेत के, क्या का संकेत, दैट ही वाज डेस्टिन्ड, क्या कि वह महानता, ग्रेटनेस कहते महानता, और डेस्टिन का नियत, नियत कि वो महानता के लिए नियत था, यानी वो महान बनेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके विपरीत, हिज मदर थॉट, उसकी माँ ने सोचा था, क्या अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, अल्बर्ट क्या था, वाज था ए फ्रीक, फ्रीक का मतलब होता है असाधारण, टू हर हिज हेड सीम्ड मस्ट टू लार्ज, टू हर उसके लिए, किसके, उसकी माँ के लिए, हिज हेड उसका सिर, किसका सिर, अल्बर्ट का जो हेड था वो उसकी माँ के लिए क्या था, सीम्ड मच टू लार्ज, अत्यधिक मच यानी अत्यधिक टू लार्ज, बहुत ही ज़्यादा विशाल प्रतीत हुआ उसकी माँ को, उसका सिर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रतीत हुआ। स्टूडेंट्स हम आज ये एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, आगे वाले पैराग्राफ पढ़ें, इससे पहले आपको मैं सा आपको मैं सजेशन देता हूँ कि यू मस्ट लर्न मीनिंग इफ़ यू वांट गुड मार्क्स इन इंग्लिश एंड इन लाइफ, यू वांट टू अंडरस्टैंड एंड वांट टू स्पीक इंग्लिश, सो यू मस्ट लर्न मीनिंग्स एज मच एज यू कैन, तो आप बहुत ज़्यादा मीनिंग याद करेंगे। थैंक यू।